नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। जुर्म के रास्ते तमाम है, लेकिन हर रास्ता पहुंचता है सिर्फ सलाखों के पीछे। हर अपराधी खुद को बेहद शातिर समझता है। वो सोचता है कि उसने जो जुर्म किया है उसका पता किसी को नहीं चलेगा, लेकिन अपराध और अपराधी कैसा भी क्यों ना हो, वो जुर्म के निशान पीछे छोड़ ही जाता है। मैं और मेरी टीम ऐसे ही सुरागों का पीछा करके पहुंचते हैं गुनहगार के गिरेबा तक, और फिर वो अपराधी पहुंचता है अपने अंजाम तक। हमारा मकसद सिर्फ एक है, क्राइम की हर दस्तक पर मजबूत प्रहार। यूपी के शराब माफियाओं में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। वो बेधड़क यूपी में मौत के पाउच का कारोबार कर रहे हैं। मसलन अवैध और जहरीली शराब चोरी छिपे बेच रहे हैं। ताजा मामला चंदौली और शामली से है, जहां अवैध शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है। मौत के पाउच का कारोबार, चंदौली में अंतरप्रांतीय शराब तस्कर गैंग का खुलासा। 125 पेटी अवैध शराब बरामद। चंदौली की मुगलसराय कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने अंतरप्रांतीय शराब तस्कर गैंग का खुलासा करते हुए 125 पेटी अवैध शराब बरामद की है। साथ ही इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बरामद शराब की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल मुगलसराय कोतवाली और क्राइम ब्रांच की टीम चंदासी कोयला मंडी के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक सफेद रंग की महिंद्रा मैक्स पिकअप वाहन वाराणसी की तरफ से आती दिखाई दी, जिसको रोककर तलाशी ली गई तो उसमें से 125 पेटी अवैध देशी शराब भरी हुई थी और मौके से 3 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें एक व्यक्ति बिहार का है जबकि 2 व्यक्ति जौनपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो वाराणसी जौनपुर बॉर्डर पर उनको गाड़ी हैंडओवर कर दी जाती है और वो शराब की खेप लेकर बिहार की तरफ जा रहे थे। ये चंदौली पुलिस द्वारा जो है वो 3 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एक मैक्सिमम भारवाहक गाड़ी जिसमें लगभग 6 लाख रुपए मूल्य की कुल 125 पेटी शराब, जिसमें 6000 सीसियां हैं और प्रत्येक सीसी 180 ml की है, ये बरामद की गई है और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और बरामद शराब की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। बड़ी बात है कि बिहार में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई, बावजूद उसके शराब की तस्करी जारी है। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे पूरे रैकेट को पकड़ा जा सके और शराब की तस्करी पर रोक लगाई जा सके। मौत के पाउच का कारोबार, शामली से 200 लीटर कच्ची शराब बरामद, 100 लीटर लहन बरामद, 1 महिला तस्कर गिरफ्तार। शराब की तस्करी का अगला मामला शामली से है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान करीब 200 लीटर कच्ची शराब बरामद की, साथ ही एक महिला तस्कर को भी गिरफ्तार किया। दरअसल ये मामला शामली के झिझाना थाने के खानपुर जाटान का है, जहां पर पुलिस को मुखबिर से कच्ची शराब बनाए जाने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने टीम गठित कर खानपुर जाटान में लाइव छापेमारी की, जिसके दौरान पुलिस को भारी मात्रा में कच्ची शराब व लहन का जखीरा बरामद हुआ। हालांकि पुलिस की छापेमारी की खबर आरोपियों को पहले ही लग गई थी और पुलिस को आता देख सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मकान से एक महिला को हिरासत में लिया है। पकड़ी गई कच्ची शराब 200 लीटर बताई जा रही है। इसके अलावा करीब 100 लीटर लहन पुलिस ने नष्ट कर दिया है। शामली पुलिस काफी सख्ती की भूमिका अदा कर रही है। पिछले 2.5-3 महीने से लगातार कच्ची शराब और अवैध शराब पे अभियान चल रहा है। उसी के मद्देनज़र हमारी झिंझाना पुलिस ने रात में दबिश दे करके खानपुर जाटान इलाके में कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया और उसमें एक महिला को गिरफ्तार किया गया। इसमें काफ़ी भारी मात्रा में कच्ची बनी हुई शराब बरामद हुई है और सैकड़ों लीटर लहन को नष्ट किया गया है। फिलहाल आरोपी महिला का नाम ज्योति बताया जा रहा है, जो खानपुर जाटान की निवासी है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इस तस्करी से जुड़े बाकी सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं शामली पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अपने आसपास ना तो कच्ची शराब को बिकने दें और ना ही बनने दें। अगर इस प्रकार के कार्यों में कोई संलिप्त पाया जाता है तो उनकी शिकायत गुप्त तौर पर हमें दें। बहरहाल पुलिस की इस छापेमारी से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है।
यूपी के सहारनपुर में शराब कांड के बाद शामली पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। इन्वेस्टिगेशन के लिए चंदौली से संतोष और शामली से रवि सोलानिया की रिपोर्ट। यूपी में इन दिनों जहरीली शराब के अलावा मादक पदार्थों की तस्करी भी चरम सीमा पर है। मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामले में बाराबंकी और बलरामपुर और कानपुर से है, जहां पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले बदमाशों को पकड़ा है। बलरामपुर जिले की भारत नेपाल सीमा, जहां पर तैनात एसएसबी और हरैया पुलिस को सूचना मिली कि दो व्यक्ति नेपाल से नशीला पदार्थ लेकर मोटरसाइकिल से बलरामपुर की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं, जिसके चलते एसएसबी तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने नेपाल सीमा पार घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान एक तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा, जबकि मोटरसाइकिल चला रहा एक तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। संयुक्त जो है टीम द्वारा ये आज 10 किलो जो है चरस बरामद की गई है, जो कि नेपाल के रास्ते भारत में लाई जाती थी और साथ में लखनऊ इत्यादि जगहों पे तथा अन्य देश के अन्य जगहों पे भी ये बेची जाती थी। पकड़े गए तस्कर के पास से पुलिस ने 9 किलोग्राम चरस बरामद की है। पकड़े गए तस्कर ने अपना नाम अरुण कुमार बताया है, जो जिले के ललैया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है, इससे गैंग के अन्य सदस्यों का खुलासा हो सके। मादक पदार्थों की तस्करी का अगला मामला बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी की जैतपुर पुलिस व स्वाट टीम ने मुठभेड़ के बाद 1.5 करोड़ रुपए अंतर्राष्ट्रीय कीमत की 1.5 किलो अवैध मॉर्फीन बरामद की है। साथ ही 25,000 के 2 और 10,000 का एक इनामी गिरफ्तार किया है। में लगभग 1,30,00,000 के आसपास की रिकवरी है, जो कि 1 किलो 30 ग्राम मॉर्फिन है, 2 लोगों के ऊपर 300 ग्राम मॉर्फिन है, 1 किलो 300 ग्राम जो 2 लोगों के ऊपर मिली है, और इनके पास से तमंचा भी मिला और पुलिस मुठभेड़ में इन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और ये लोग गोकशी के मुकदमे में भी पहले जेल जा चुके हैं। पुलिस ने पकड़े गए तीनों बदमाशों के पास से 2 अधबने तमंचे, खोखे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मादक पदार्थों की तस्करी की अगली रिपोर्ट कानपुर से है। लखनऊ कस्टम की टीम ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन के SLR कोच में छापेमारी कर लगभग 50,00,000 की इंपोर्टेड सिगरेट बरामद की है, जो अवैध रूप से असम से दिल्ली ले जाई जा रही थी। अवैध रूप से तस्करी करके भारत में लाया गया है और इसको पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति के द्वारा दिल्ली ले जाया जा रहा था, तो यहाँ पर चूँकि हमको इसकी बहुत ही सटीक सूचना थी, जिसके आधार पर हमारे अधिकारियों ने यहाँ पर जो लोग ले जा रहे थे क्या उनको पकड़ हो गई है? उनकी अभी जांच होगी कि ये किसने बुक किया, क्या किया, उसके बाद वहाँ भी फॉलोअप होगा, फिर उनको पकड़ा। दरअसल लखनऊ कस्टम टीम को सूचना मिली कि कानपुर रेलवे स्टेशन पर विदेश से तस्करी कर सिगरेट को लमडिंग जंक्शन आसाम से दिल्ली अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। कस्टम टीम ने पुलिस सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर असम से आ रही पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन पर छापेमारी कर ट्रेन SLR कोच कई गत्तों में लगभग 50,00,000 रुपए की इंपोर्टेड सिगरेट बरामद की। ये बुकिंग होके आ रही थी, जिसके साथ कोई व्यक्ति संबंधित व्यक्ति तो आ नहीं रहा था, तो पहले तो हम जहां से बुकिंग हुई वहां ये पता करेंगे कि बुकिंग किस आदमी ने करी है, फिर वहां संबंधित हमारी टीम वहां जो है वो फॉलोअप में पता करेगी और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। किस प्लेटफॉर्म पर सर पकड़ी गई? प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। असम से बुकिंग होकर आ रही इंपोर्टेड सिगरेट को कस्टम टीम ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कस्टम टीम इस बात की जानकारी जुटाने में लग गई है कि आखिर वो लोग कौन कौन हैं जिन्होंने इसे बुकिंग कर भेजा था। इन्वेस्टिगेशन के बलरामपुर से रवि, बाराबंकी से दीपक निर्भय और कानपुर से अवनीश दीक्षित की रिपोर्ट। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी जारी है इन्वेस्टिगेशन। मेरठ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बच्चे का शव पड़ा मिला। वहीं मृतक बच्चे की हत्या
ईंटों से कुचलकर की गई थी। आशंका जताई जा रही है कि बच्चे के साथ कुकर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट का लिसाड़ी गांव, जहां एक बच्चे का शव मिलने से सनसनी मच गई। मृतक की हत्या ईंटों से कुचल कुचल कर की गई थी और आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या की गई है। जैसे इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, अपनी जांच शुरू कर दी है। अभी तक मृतक बच्चे के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। साड़ी गेट थाना क्षेत्र में एक लगभग 13-14 साल के बच्चे की डेड बॉडी मिली है मॉर्निंग में। प्रथम दृष्टया वहाँ मौके पर देखने से ऐसा लग रहा है कि उसके सिर पे किसी ने ईंट से कुचल दिया है। उस लड़के की अभी पहचान नहीं हो पाई है। हम लोगों ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है, लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। साक्ष्य वहाँ से इकट्ठा कर लिए, फॉरेंसिक की टीम हमारी गई थी। इसके बाद हम लोग जाँच कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि पहले तो आइडेंटिफिकेशन का इशू है, आइडेंटिफाई करने के बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है। पुलिस की माने तो बच्चे की पहचान के बाद ही परिजनों से बात कर हत्या के कारण का पता चल सकेगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरठ से शोएब जिया की रिपोर्ट। बाराबंकी पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें एक लड़की की अपहरण के बाद हत्या बताकर दो लोगों को जेल भेज दिया गया। बाराबंकी पुलिस ने उसी लड़की को जीवित अवस्था में बरामद कर लिया है। यूपी के बाराबंकी में परीक्षा देने गई एक छात्रा के अपहरण के बाद हत्या के मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए लड़की को प्रेमी और बच्चे के साथ साकुशल बरामद कर लिया। आपको बता दें कि बीते 6 मार्च 2018 को इंटर की छात्रा नेहा यादव परीक्षा देने घर से निकली थी, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंची, जिसके बाद नेहा के परिवार वालों ने गांव के ही अनिल यादव और राजू सिंह पर अपहरण के बाद हत्या करने का आरोप लगाया। इसी बीच एक अज्ञात लाश नहर से मिली, जिसकी शिनाख्त नेहा के घर वालों ने नेहा के रूप में की। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने अनिल यादव और राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हम जांच कराएंगे क्योंकि उन्होंने क्लेम कर लिया था, तो उस मामले को भी ओपन किया जाएगा कि जिस महिला की डेड बॉडी को इन्होंने क्लेम किया था वो किसकी है, और छत बिछत जो लाश मिली है और उनकी डीएनए क्योंकि भेजा गया था तो उसका परीक्षण भी कराया जाएगा दोबारा से, और उस मामले को भी ओपन किया जाएगा। आसपास में जिन जनपदों में उस तरह की गुमशुदगी लिखी गई है और इस तरह की उम्र के हिसाब से उनकी पहचान करके उस मुकदमे को भी उसके अंजाम तक पहुंचेगा। नेहा यादव की अपहरण के बाद हत्या के मामले में माननीय हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद जेल से छूटे पीड़ित अनिल यादव और राजीव सिंह ने बाराबंकी पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए मामले में पुनः जांच करवाने की मांग की। हम गांव नहीं जाते हैं, बस लड़की को ढूंढते रहे। आज मुझे सफलता मिल गई, मैं घूमते घूमते उधर जा रहा था, हमें सुराग लगा कि मतलब शक लगा कि ये लड़की वही नेहा यादव है। मैं उसके घर पहुंचा, घर पे बैठा रहा थोड़ी देर, उसके बाद वहां से वापस चला आया, कचहरी गया, कचहरी में जाके वकील साहब से मिले, वकील साहब ने एक एप्लीकेशन लिया और मैं श्रीमान एसपी जी के यहाँ गया, एसपी जी के यहाँ निर्देश मिला हमें, उसके बाद ये जहांगीराबाद थाना फोर्स जाके लड़की को बरामद कर लिया। कौन कौन इसके साथ आपको मिला? हमको इनके साथ एक बच्चा मिला जो नेहा यादव का है और उसका पति प्रेम मिला। ये उसका प्रेमी भी है? जी प्रेमी है उसका। बाराबंकी की थाना जहांगीराबाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की तो पुलिस को नेहा यादव के जिंदा होने की खबर लगी। फिर क्या था, पुलिस ने नेहा को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर थाने ले आई। बातचीत के दौरान नेहा और उसके प्रेमी प्रेम नारायण ने बताया कि जब उसे पता चला कि उसकी अपहरण और हत्या के मामले में उसके घर वालों ने गांव के ही अनिल यादव और राजू सिंह को झूठे मामले में फंसा कर जेल भिजवा रहे हैं, तो नेहा ने अपनी प्रेम कहानी को सबके सामने रख दिया। बावजूद इसके उसके परिवार वालों ने उसे जेल भिजवा दिया। हमें पेपर मिला था, मुझे चाचा का फोन मिला था, तो चाचा ने कहा कि जहाँ पे हो वहाँ पे रहो, अब हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं, शांत से रहो। ये मुकदमा इसके खिलाफ लिखा गया था, जेल में कौन बंद है? हमको नहीं पता है। ये मुकदमा गलत लिखाया गया था? सर हमें जब पेपर मिला तो हमको पता चला, लेकिन हम ये नहीं पता चला कि कौन बंद है या नहीं बंद है, ये हम अभी तो नहीं जानते सर। जब ये लोग आज मेरे घर गए कि कैसे गए, कैसे ही गए, ये हमको नहीं पता। जब घर गए
तो हमने इनको हम ये भी हमको बताया नहीं कि आपके नाम मुकदमा दर्ज है, हमारे नाम कुछ हम देख करके कुछ नहीं बताया थे। तो सर हम जो घर पे मेहमान जाता सर चाय पिला दिया, चाय पिला के चले आए, उसके बाद जब दोबारा गए सर तब हमसे कहने लगे, तो फिर सर हम दोनों लोग घर ही पे थे। फिलहाल अब बाराबंकी पुलिस इस मामले में लड़की के घर वालों से ये जानने में जुटी है कि वो लड़की कौन थी जिसकी लाश दिखाकर नेहा के पिता दो बेकसूर लोगों को जेल भिजवा उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इन्वेस्टिगेशन के लिए बाराबंकी से दीपक की रिपोर्ट। शातिर गुनहगार एक्टिव है और वो आपके आसपास ही रहते हैं, वो हर वक्त नए जुर्म की कहानी गढ़ रहे हैं और हम उनका पीछा कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन तब तक जारी रहेगी जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते। लेकिन जाने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।